In today's lecture, complex number, this is 10th lecture बेटा, और ये आपका last lecture complex number का. Maximum topic जो है मैंने cover कर लिए हैं. एक topic इसके अंदर अभी मैं discuss नहीं करूँगा, वो है geometry से connected. तो उसके लिए पहले मैं आपको conic section पढ़ाऊँगा और then after हम discuss करेंगे remaining part of complex number. Till then आप ये मानिए कि complex number आपका आज complete हो जाएगा. आज हम दो topic discuss करेंगे बेटा. एक तो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी होता है बेटा वन, वन को कहते हैं यूनिटी, और क्यूब रूट होता है पावर वन अपॉन थ्री. तो आज मैं आपको वन की पावर वन अपॉन थ्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. जैसे देखो आपने पढ़ा होगा कि वन की पावर चाहे कुछ भी कर लो आंसर तो वन ही आएगा ना. वन की एन पावर करने का आंसर क्या आएगा, वन. ये बात सही है बेटा, रियल नंबर में वन की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर वन आता है. लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में दो कॉम्प्लेक्स रूट भी आते हैं. और सेकंड टॉपिक हमारा है डी मूवियस थ्योरम, ठीक है. तो डी मूवियस थ्योरम में तो जस्ट एक स्टेटमेंट बतानी है मुझे, और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो बेटा एक्सप्लेन करना है पूरा. तो देखिए, मान लेते हैं कि वन की पावर वन अपॉन थ्री करने पर हमें नहीं पता क्या आता है. तो हमने लेट कर लिया कि वन की पावर वन अपॉन थ्री एक्स आएगा बेटा, ठीक है. तो वन की पावर वन अपॉन थ्री ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया वन को मैथमेटिक्स में यूनिट बोलते हैं, इसलिए वो यूनिटी बन जाएगा. और क्यूब रूट का मतलब पावर वन अपॉन थ्री. अब आप ऐसा करें बोथ साइड क्यूबिंग करें तो एक्स क्यूब आपके पास क्या आएगा बेटा, वन. और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन आपके पास क्या आएगा, जीरो. तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब ये प्रॉब्लम हम लेके चले तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है बेटा. और जैसा कि आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से पढ़ते हो कि जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है इक्वेशन की उसके उतने ही रूट होते हैं, ठीक है. तो देखिए अब मैं अगर यहाँ बात करूँ एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो लिख सकता हूँ. कैसे लिखा बेटा मैंने, ये मैंने इसको अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह. कंपेयर कर लिया बेटा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब. एंड यू नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो जरा देखिए ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वन रख के देखिए, यही होंगे फैक्टर इसके. अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई जीरो है तो आप कहेंगे या तो एक्स माइनस वन जीरो है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपके पास क्या है, जीरो. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा, वन. और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट ये देगी. अभी क्या है कि इसका d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो आया माइनस तीन. देखिए टेंथ स्टैंडर्ड में आप माइनस वैल्यू देख के d की छोड़ दिया करते थे, ये कह देते थे कि नॉट रियल रूट्स. लेकिन अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो मैं यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकालूंगा बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी. तो बी आपका वन है माइनस वन प्लस माइनस रूट डी. डी का रूट रहेगा बेटा रूट थ्री आयोटा और डिवाइड बाय में टू है. तो एक्स की दो वैल्यूज आपके पास ये आ गई. इट मीन्स जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना उसका एक आंसर तो वन आता है जो कि रियल रूट है, और दो आंसर और आते हैं जो कि आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट. इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि वन की पावर जब हम वन अपॉन थ्री करते हैं तो हमारे पास आंसर वन आएगा, ठीक है. माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा आएगा और डिवाइड बाई टू, और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू. ये तीन होते हैं बेटा जिनमें से वन तो रियल रूट ऑफ यूनिटी है और ये जो दो बचे दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अब इसको डिनोट कर लेते हैं बेटा ओमेगा से. डब्ल्यू जैसा सिंबल होता है लेकिन क्या पढ़ा जाता है, ओमेगा, ओ एम ई जी ए. और इसको हम पढ़ देते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. सो वी हैव वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो आपके पास हमेशा जीरो आएगा. क्यों आएगा देखिए, क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन का एक रूट है बेटा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन क्या हो गया, जीरो. और ओमेगा इस इक्वेशन का भी एक रूट है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा का क्यूब जो है वो आपके पास क्या आएगा, वन आएगा. ये दो रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज कीप इन माइंड कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है और ओमेगा क्यूब आपके पास क्या होता है बेटा, वन होता है, ठीक है. इसको आप ध्यान में रखिए. ये यूज कैसे होता है देखिए, इसका यूज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम एरोटा की पावर एन निकालने में यूज करते थे. अब मान लो कोई आपसे पूछे
कि ओमेगा की पावर 300 कितना होगा। तो देखिए वही ऐसे ओमेगा की पावर 301 कितना होगा, ओमेगा की पावर 302 कितना होगा। तो कुछ नहीं है, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। आयोटा में पावर को किससे डिवाइड कर देते, 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा बच जाएगा। अब देखो 300 बेटा 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा तो इसकी वैल्यू ओमेगा की पावर 1 आएगी, इसको 3 से डिवाइड करोगे 302 को तो रिमाइंडर आपका रहेगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। देयरफॉर ओमेगा की पावर 300 प्लस ओमेगा की पावर 301 प्लस ओमेगा की पावर 302 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि ये नहीं कि रेस्पेक्टिव वैल्यूज थी। और मोर ओवर इसके अतिरिक्त भी हम इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स बेटा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप बच्चों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, क्लास 9th में स्टार्ट होती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास लर्निंग में ये वाला, देन आफ्टर आप इसमें एक और चेंज करते हैं 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और ये अंतर आपका ये बच जाता है बेटा ए माइनस बी का होली स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होली स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होली स्क्वायर। ये कन्वर्जन भी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में एज ए एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, दो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC को दो तरीके से तो आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। और बेटा एक तीसरा मेथड और भी है, आप इस चीज को ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, तो कंपेरिजन करके देखिए। याद रखिए, कोशिश करिए बेटा ये चीज अपने माइंड में हो, काम बहुत आएगी, प्लस टू में भी काम आती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आती है। तो आप देखेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी की जगह तो ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन सर ये जो ब्रैकेट है ये आपने दो में स्प्लिट कर दी। जी हाँ, दो में स्प्लिट कर दी और इसमें ओमेगा मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस दिन इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई होगी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आपका कितना। तो देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा से करता हूँ तो देखते हैं बेटा प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, वन बाय वन करते जाओ, ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे ए स्क्वायर, फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा बेटा ए सी ओमेगा, फिर आपके पास आएगा बी ए ओमेगा, फिर आपके पास आएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर आपके पास आएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा बेटा ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा बी सी ओमेगा की पावर 4, और फाइनली आपके पास रहेगा बेटा सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आया आपके पास। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हम थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं और देखते हैं रिक्वायर्ड जो आपकी ब्रैकेट है वो आपको मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। देखिएगा, देखो बेटा ए स्क्वायर आपके पास है ओपीट प्लस में बी स्क्वायर भी आपके पास है, देखो ये रहा क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो इंटू में 1 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी आपने ले लिया यहाँ से, और प्लस में बेटा सी स्क्वायर भी आपके पास आ चुका। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो यहाँ ए बी है बेटा और यहाँ ए बी है, तो मैं क्या करता हूँ ए बी कॉमन ले लेता हूँ, ए बी कॉमन लेते मेरे पास अंदर क्या रहा बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे मैं बी सी कॉमन ले लेता हूँ, तो बी सी यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हालांकि ओमेगा की 4 पावर है बेटा, लेकिन ओमेगा की 4 पावर है तो वो ओमेगा ही बनेगा क्योंकि इसको हम ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं और ओमेगा क्यूब 1 होता है। फाइनली सी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ ओमेगा रहा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 था, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 आएगी, तो जहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहां माइनस 1 रख दो, तो आप पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये माइनस वन है तो माइनस ए बी, वो माइनस वन है तो माइनस बी सी, और वो माइनस वन माइनस सी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, जिसको कि क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर इनफिनिटी की फॉर्म में लिखना, और वो होती है ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक इसी तरह से दो फैक्टर की ही प्रॉपर्टी और मेरे दिमाग में आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो कि आपके साथ शेयर की जाए। जैसे देखिए ए प्लस में बी ओमेगा, एक तो आपके पास क्या है ए प्लस बी ओमेगा, और एक आपके पास है बेटा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज क्या है, अगर कल को कोई कहे कि इसकी मैंने फाइंड आउट करो, तो बेटा ये जो ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है ना, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अच्छा जी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन सर हम तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ये पढ़ते हुए आए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आपको यही देगी। हाँ श्योर ये देगी, चलो चेक करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ इसकी, ए की ए से मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर, ए की इससे मल्टीप्लाई कीजिए ए बी ओमेगा स्क्वायर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास क्या आएगा ए बी ओमेगा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों के आपस में, तो ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, राइट है। तो बेटा इसके अंदर हमें एक्चुअली एक जो टर्म है वो शायद हमारी रह गई, इसके साथ ए प्लस बी और आएगा बेटा पहले से ए प्लस बी, तो ये तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है और ये ए प्लस बी इसके साथ छोड़ दिया। अब देखो जरा यहाँ पर ए स्क्वायर आया, ये बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब वन होता है, प्लस इसमें से आप अगर ए बी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है बेटा माइनस वन, तो ये माइनस ए बी और इंटू क्या हो गया ए प्लस बी। अब ये फैक्टर आपके सेम यही है और ये चीज आपकी इसके इक्वल होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका सिमिलर मैनर अगर आपसे कोई पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन यू हैव द रिप्लाई दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एज वेल एज बेटा आप ये भी कह सकते हो कि a माइनस बी एज इट इज, और यहाँ हो सकता है a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये जो चीज़ है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्म। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, डी मोगियस थ्योरम। तो देखो डी मोगियस थ्योरम क्या है, डी मोगियस थ्योरम आपकी मदद करेगी बेटा हायर पावर्स को सोल्व करने में, डी मोगियस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे मेरे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं इसकी पावर क्या कर दूँ एन, तो बेटा ये एन पावर एक्सपेंड हो जाएगी, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, इसको हम बोलते हैं डी मोगियस थ्योरम। यहाँ पे जो ये n है बेटा इट मस्ट बी एन इंटीजर, ये आपके पास एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के केस में पावर n कहाँ आ जाती है बेटा, डायरेक्ट जो है उसके एंगल के अंदर आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको कोई कहे cos पाई अपॉन टेन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन टेन, इसके टेन पावर सोल्व करो, तो अगर आपने डी मोगियस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रखी है तो आप कहोगे सर पावर तो एक इंटीजर है, तो ये पावर तो क्या होगी डायरेक्ट एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, तो देखिए क्या बनेगा एंगल कॉस पाई, क्योंकि पाई अपॉन टेन की मल्टीप्लाई टेन से करोगे पाई प्लस आयोटा साइन पाई, अब कॉस पाई क्या होता है आपका माइनस वन, साइन पाई क्या होता है आपका जीरो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है बेटा डी मोगियस थ्योरम को यूज कर सकते हो। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है और इसके ऊपर मैं आपको फाइव क्वेश्चन देने वाला हूँ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो आप अच्छे से ट्राई कीजिए, कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप डाउट से समय बेटर डिस्कस कर सकते हैं।